राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। विपक्षी दलों के नेता इन दिनों ये पुराना गाना गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि रामलला विराजमान के होते हुए कैसे हुआ 16.5 करोड़ का घोटाला, अयोध्या में भ्रष्टाचार से बन रहे मंदिर में कैसे विराजेंगे रामलला। लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताकर खारिज करने में जुटा हुआ है। फिर भी सवाल तो सवाल है, कई ऐसे भी सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। पहला सवाल तो ये है कि जिन लोगों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 12,000 वर्ग मीटर की जमीन का सौदा 18.5 करोड़ रुपए में किया, उन्हीं लोगों ने उसी दिन महज कुछ देर पहले 2 करोड़ रुपए में वही जमीन कैसे खरीदी थी। सफाई में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उलट बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाजार भाव से सस्ती दरों पर जमीन खरीदी गई है। अयोध्या के बाग बजीसी इलाके में खरीदी गई जमीन का अगर सर्कल रेट देखा जाए तो 48,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, और उस हिसाब से भी देखा जाए तो जमीन की कीमत करीब 5.80 करोड़ ही बैठती है। लेकिन इसका भी साफ जवाब ट्रस्ट के पास नहीं है। दरअसल सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इस जमीन को 2 करोड़ में कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 18 मार्च 2021 को ही खरीदा था, और फिर उसी दिन राम जन्मभूमि में ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दिया। ये दोनों लेन देन 10 मिनट के भीतर ही हुए। बताया जा रहा है कि इसके लिए 17 करोड़ रुपए बैंक के ट्रांसफर के जरिए दे भी दिए गए, लेकिन रुपए किनके खातों में गए हैं ये भी अभी साफ नहीं। ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कुसुम और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को ये जमीन 2 करोड़ में ही क्यों बेची, जबकि करारनामे को रिन्यू भी कराया गया था। सवाल तो ये भी है कि ट्रस्ट ने जमीन सीधे खुद क्यों नहीं खरीदी। इस बात को लेकर भी रहस्य बना हुआ है कि जमीन के सौदे में शामिल बाकी 8 लोग गए कहां। बहरहाल सच्चाई तो राम जी ही जाने, लेकिन तिवारी जी और अंसारी जी की इस जुगलबंदी से ये साफ हो गया है कि मंदिर मस्जिद भेद कराते मिल कराता घोटाला। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।